कहते हैं नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है, बस काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लंबे समय से शहर का प्राचीन अमृत सागर तालाब अपनी अस्मिताओं पर आंसू बहा रहा था, लेकिन अब यह अमृत सागर तालाब बेहतर पर्यटक स्थल का स्वरूप लेने लगा है। अमृत सागर तालाब को झील परियोजना के तहत संवारने का काम शुरू हुआ है। करीब 12 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से अमृत सागर तालाब को संवारा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 22 करोड़ 84 लाख रुपए का है। सुंदरीकरण के लिए नगर विधायक चैतन्य कश्यप के प्रयासों से इस महती योजना का स्वरूप अब धरातल पर नजर आने लगा है। प्रोजेक्ट के तहत तालाब पाल की स्टोन पिचिंग एवं गोवियन वॉल वॉच टावर, एडमिन ऑफिस, एंट्रेंस गेटवे, पेरिफेरल रोड सहित अन्य काम किए जा रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के तहत तालाब में मिल रहे नाले का डायरेक्शन बदला है। वहीं तालाब के पानी को भी फिल्टर किया जा रहा है, जिससे तालाब का पानी उपयोगी बन सके। अमृत सागर तालाब में जलकुंभी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1500 ट्रॉली जलकुंभी निकाल कर नाले को डाइवर्ट कर गंदे पानी की निकासी बंद कर दी है। सौंदर्यीकरण के तहत गोबियन वॉल बनकर तैयार कर दी गई है। लाइटिंग, बैठक व्यवस्था और गार्डन को अलग तरह से तैयार किया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले टूरिस्ट तालाब का आनंद ले सके। पूरा काम होने के बाद यहाँ बोटिंग भी शुरू की जाएगी। रतलाम से ब्यूरो चीफ पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।